खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार, आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। अति गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते गुजरात हाई अलर्ट पर है। मौसम विज्ञान ने कहा कि कल शाम के आसपास चक्रवात सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाके को पार करेगा, उस समय इसकी रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवात बिपरजॉय का व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। मौसम विभाग ने आज और कल भारी बारिश होने की संभावना जताई। चक्रवात बिपरजॉय पर एनडीआरएफ के डीआईजी ने बताया है कि जिन इलाकों में ज्यादा क्षति होने की आशंका है वहां से लोगों को हटाया जा रहा है और अब तक 28,000 लोगों को हटाया जा चुका है। एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा 15 टीमों को आरक्षित रखा गया है। कच्छ, पोरबंदर, द्वारका, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी में हमारी टीमें तैनात हैं। गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय के कारण हो रही बारिश और तेज हवा के चलते द्वारका के प्रसिद्ध भड़केश्वर महादेव मंदिर की एक दीवार टूट गई है। वहीं जगत मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या काफी कम हो गई है। गुजरात में कई जगहों पर समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। गोमती घाट पर भी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। पूरे जिले में 1 से 3 इंच तक बारिश हुई है। द्वारका जिले में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 4 टीमें तैनात की गई। वहीं वायुसेना और सेना की अभियांत्रिकीय कार्यबल इकाइयां भी तैयार हैं। भारतीय तटरक्षक बल अरब सागर में भीषण चक्रवात बिपरजॉय के परिदृश्य में रक्षात्मक उपाय कर रहा है। गुजरात में द्वारका की गोमती घाट पर चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ज्वार की लहरें समुद्र में ऊंची ऊंची उठ रही हैं। गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय के तट से टकराने से पहले कच्छ के नलिया में तेज बारिश हुई। चक्रवात बिपरजॉय के गुजरात तट की ओर बढ़ने के मद्देनजर पुलिस ने भुज तट पर गश्त किया। स्थानीय प्रशासन का लक्ष्य निचले इलाकों, कच्चे मकानों में रह रहे लोगों को स्थानांतरित करना है। शरण स्थलों पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है। गुजरात के नवसारी में चक्रवात बिपरजॉय के मद्देनजर लोगों को समुद्र में जाने से रोकने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। सीपीआरओ पश्चिम रेलवे ने बताया कि 69 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 32 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, जबकि 26 ट्रेनों को यात्रियों की सुरक्षा और चक्रवात बिपरजॉय की शुरुआत के संबंध में ट्रेन संचालन के मद्देनजर एहतियाती उपाय के रूप में शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में चक्रवात से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अमित शाह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से किसी की जान ना जाने और संभावित नुकसान को कम करना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों पर तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए पर्याप्त संख्या में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम को तैनात किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि गुजरात सरकार को संवेदनशील स्थानों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था करने और बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी सभी आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। बैठक में शामिल हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बताया कि बचाव और राहत कार्यों के लिए 21,000 से अधिक नौकाएं, 27 छोटे और 24 बड़े जहाज तैनात किए गए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त आश्रयों की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे के मद्देनजर गुजरात में गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया। भूपेंद्र पटेल ने राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र में चक्रवात समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात के कच्छ में कांडला पोर्ट का दौरा किया। मनसुख मांडविया ने कांडला पोर्ट पर चक्रवात तूफान बिपरजॉय से पहले कांडला पोर्ट खाली कराए गए लोगों से मुलाकात। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से बातचीत की और उन्हें संबल प्रदान किया। साथ साथ उन्होंने सुविधाओं के विषय में भी जानकारी ली। ओडिशा में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर एक सैंड आर्ट बनाकर चक्रवात बिपरजॉय को लेकर घबराए नहीं, सुरक्षित रहें का संदेश दिया।
भारत दौरे पर आए अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सुलिवन ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। जैक सुलिवन ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के संयुक्त राज्य अमेरिका की राजकीय यात्रा पर उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के बढ़ने पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो अमेरिका की एक रचनात्मक यात्रा और पारस्परिक हित के द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर राष्ट्रपति बाइडेन के साथ एक सकारात्मक बातचीत की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग पर एक बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर अजीत डोभाल ने कहा कि भारत अमेरिका सहयोग के अंतर्गत दोनों देशों के सेमीकंडक्टर्स के बारे में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका और भारत स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे का आज आखिरी दिन है। अपने दौरे के आखिरी दिन भाजपा अध्यक्ष आज कुल्लू के ढालपुर मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने हिमाचल प्रदेश के झंडूता विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक में भोजन किया। इस बैठक में कार्यकर्ताओं द्वारा अपने अपने घरों से टिफिन लाकर सामूहिक भोज के साथ प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में संगठनात्मक चर्चा हुई। वहीं जेपी नड्डा का पंजाब के होशियारपुर में भी एक रैली का कार्यक्रम है। जेपी नड्डा मोदी सरकार के 9 वर्ष के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखेंगे। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष ने देश के अलग अलग राज्यों में ओबीसी समुदाय के तुष्टिकरण को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शांति बहाली के लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आज मणिपुर के चूड़ाचांदपुर और कंगपोखपी जिलों का दौरा करेंगे। कुकी सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ शांति बहाली और समाधान के लिए बातचीत करेंगे। इसके अलावा मणिपुर सरकार जल्दी ही राहत शिविरों में रह रहे हिंसा पीड़ितों का पुनर्वास करने जा रही है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल उन स्थानों को चिन्हित करेगा जहां पर हिंसा प्रभावितों के लिए स्थापित किए जा सके। इसके साथ ही एक परिवार एक आजीविका योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने एन बीरेन सिंह ने कहा है कि सरकार आधार, बैंक पासबुक, बीमा, CMHD कार्ड जैसे दस्तावेजों के प्रावधान की भी सुविधा प्रदान करेगी जो हिंसा के दौरान खो गए थे या नष्ट हो गए थे। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से सरकार पर भरोसा रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में मंत्री, विधायक और सरकारी अधिकारी सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में आज से महिला 20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इस कार्यक्रम में मुख्य भाषण देंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अंडर ग्रेजुएट यानी NEET UG 2023 का परिणाम घोषित कर दिया। इस बार 2 छात्रों तमिलनाडु के प्रभंजन जे और आंध्र प्रदेश के बोरा वरुण चक्रवर्ती ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 720 में से 720 स्कोर करके टॉप किया है। इस साल उम्मीदवारों ने NEET UG के लिए पंजीकरण कराया था और अधिकतर मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी और इसे क्वालिफाई किया है। मणिपुर को छोड़कर बाकी राज्यों में प्रवेश परीक्षा 7 मई को आयोजित की गई थी। मणिपुर के छात्रों के लिए ये परीक्षा 6 जून को देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 11 शहरों में हुई थी। मेडिकल, वेटरनरी, आयुष, BSc, नर्सिंग और लाइफ साइंसेज कोर्सेज में दाखिले के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीट का आयोजन हुआ। तमिलनाडु के बिजली मंत्री बी सेंथिल बालाजी को मेडिकल जांच के लिए चेन्नई के ओमांदुरार सरकारी अस्पताल ले जाया गया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें कल रात हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम में अमरनाथ यात्रा नुनवान बेस कैंप में तीर्थयात्रियों के लिए की गई व्यवस्था का निरीक्षण किया।
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। योगा इन द एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज संस्कृत मींस टू कंजॉइन, conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। दिल्ली के घेबरा गांव के नरेला रोड स्थित एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की 12 गाड़ियां पहुंच गई। सूचना के अनुसार इस घटना में किसी जान माल के नुकसान होने की खबर नहीं है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के चलते हिंसा का दौर फिर से शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत के मुताबिक 7 संवेदनशील जिलों में CAPF की नियुक्ति होगी और सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की पर्याप्त व्यवस्था होगी। इसके अलावा हाई कोर्ट ने सभी मतदान केंद्रों पर CCTV की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। मंगलवार को भी राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में जमकर हिंसा हुई। इस दौरान बम फेंके गए जिसमें कई लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पुलिस ने संयुक्त कुपवाड़ा जिले के डोबनार मंचल में सेना और अभियान में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। खुफिया जानकारी से सुरक्षा बलों को हथियारों से लैस आतंकियों की घुसपैठ की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस और सेना ने मिलकर अभियान चलाया और 2 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामान मिला है। सेना को इस बात की आशंका है कि आतंकियों के अन्य साथ भी इलाके में मौजूद हो सकते हैं और बाकी आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान को इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली उत्कृष्ट सेवाओं और पृथ्वी विज्ञान प्रशिक्षण के क्षेत्र में उच्च मानकों के लिए बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने डाइवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स इंक द्वारा एम्बिट प्राइवेट लिमिटेड में कुछ शेयरधारिता या हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी संगठनों ने दबाव वाली संपत्तियों के से अधिकतम वसूली के लिए बैंकों को धोखाधड़ी वाले खातों और इरादतन या फिर जानबूझकर चूक के मामलों का निपटारा समझौते के जरिए करने की मंजूरी देने का विरोध किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत में महंगाई दर में कमी की प्रक्रिया सुस्त रहने और मध्यम अवधि के हिसाब से 4% पर पहुंचने की संभावना है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने वाणिज्यिक संदेश के लिए गैर पंजीकृत फर्मों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सभी दूरसंचार कंपनियों को AI और मशीन लर्निंग पर आधारित प्रणाली लगाने का निर्देश दिया है। ट्राई ने कहा है कि दूरसंचार कंपनियों को इन निर्देशों का पालन करने और उठाए गए कदमों के बारे में 30 दिन के भीतर सूचित करना होगा। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के प्रवर्तकों ने बाजार नियामक सेबी के आदेश के खिलाफ राहत पाने के लिए प्रतिभूति अपील पंचायत का दरवाजा खटखटाया है। सेट इस आवेदन पर 15 जून को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार नई ई बसें खरीदने के लिए निविदा जारी करने की तैयारी कर रही है। ये बसें उन 9 शहरों में चलाई जाएंगी जिनकी आबादी 40 लाख से ऊपर है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने डेटा सेंटर के विकास के लिए भूमि आवंटन योजना शुरू कर दी है, जिसके तहत उसे 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद।
राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम बिजली की मांग, दिन में आपूर्ति की गई अधिकतम बिजली इन गर्मियों में पहली बार 7000 मेगावाट को पार कर गई है। एक्सेंचर ने घोषणा की है कि वो अगले 3 वर्षों में डेटा और एआई में $3 अरब का निवेश करेगी। वहीं $3 अरब के निवेश का एक हिस्सा अधिग्रहण और प्रशिक्षण के माध्यम से 80,000 लोगों की भर्ती करने में किया जाएगा। सेमीकंडक्टर चिप की बेहतर आपूर्ति के बीच भारतीय वाहन उद्योग ने मई महीने में विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के विनिर्माण में 8% की वृद्धि दर्ज की है। इसमें तिपहिया 20% और यात्री वाहन 16% सबसे आगे हैं। हालांकि निर्यात में 21% तक की गिरावट आई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने घरेलू उड़ान के दौरान अपने दोस्त को कॉकपिट के भीतर बुलाने के मामले में एयर इंडिया के 2 पायलटों को उड़ान भरने से रोक दिया है। लॉजिस्टिक कंपनी ब्लू डार्ट ने बताया कि उसने वीएन अय्यर को समूह सीएफओ और सुधापई को ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड का सीएफओ बनाया है। उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2023 से प्रभावी होगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोपनीय दस्तावेज मामले में संघीय आपराधिक आरोप पर दोषी होने से इनकार किया है। इस मामले में मियामी फ्लोरिडा की संघीय अदालत में आत्मसमर्पण करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, पर सुनवाई के बाद उन्हें बिना शर्त जाने की अनुमति दे दी गई। न्यायाधीश जोनाथन गुडमैन के समक्ष अर्जी में ट्रंप ने कहा कि वो गोपनीय दस्तावेज मामले में दोषी नहीं है। ट्रंप को बिना किसी शर्त या यात्रा प्रतिबंधों के बिना अदालत छोड़ने की अनुमति दे दी गई है। उन्हें नकद जमानती राशि भरने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। यूक्रेन युद्ध समाप्त करने और संकट सुलझाने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों से सैन्य मदद बंद करने की बात कही है। पुतिन का मानना है कि यूक्रेन संघर्ष के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ है। पुतिन ने कहा कि रूस अपने विशेष सैन्य अभियान के जरिए धीरे धीरे यूक्रेन का असैन्यीकरण करने में लगा है। अगर पश्चिमी देश संघर्ष को हल करना चाहते हैं तो उन्हें कीव को हथियार देना बंद करना होगा। लेकिन पुतिन के इस प्रस्ताव से कुछ देर बाद ही अमेरिका ने यूक्रेन को $325 मिलियन के नए रक्षा पैकेज का ऐलान कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र का दौरा करेंगे। ये दौरा पिछले सप्ताह परमाणु संयंत्र के पास बांध के टूटने के बाद हो रहा है। यूक्रेन की सेना ने बखमुत के नजदीक रूसी सेना पर हमला किया। यूक्रेन के 30वें असॉल्ट ब्रिगेड ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन के उपरक्षा मंत्री हाना मलियार ने कहा है कि यूक्रेन की सेना इस पूर्वी शहर के नजदीक 250 मीटर तक आगे बढ़ी। रूस ने आधिकारिक तौर पर यूक्रेन के दावे को स्वीकार नहीं किया है। उसने कहा है कि उसने यूक्रेन के हमले को नाकाम किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्डिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सेना के बखमुत शहर के पूर्व और युद्ध के दक्षिण मोर्चे पर आगे बढ़ने की सराहना की है। अपने रात के वीडियो संबोधन में दक्षिण मोर्चे पर तावरिया में अपने सेना के आगे बढ़ने की प्रशंसा की और कहा कि हर एक भूमि का इंच मुक्त कराना है। अमेरिका के विशेष जलवायु दूत जॉन केरी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक कदम उठाए जाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए जॉन केरी ने कहा कि दुनिया को कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को तेजी से कम करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ऐसा संकट है जिस पर देशों को हर साल अरबों डॉलर खर्च करना होता है, जिसे हम रोकने की जरूरत है। अमेरिका चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैसों का बड़ा उत्सर्जक है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान के साथ अंतरिम नाभिकीय समझौते की खबरों को पूरे तरीके से गलत बताया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि रिपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा या तो गलत है या भ्रामक है। मिलर ने आश्वासन दिया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार प्राप्त ना करे। स्पेन के उत्तरी कैटलान क्षेत्र में भारी बाढ़ के चलते सड़कों पर पानी भर गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में भारी बारिश दिखाई दे रही है। वेनेजुएला और ईरानी राष्ट्रपतियों ने दक्षिण अमेरिकी देश में दोनों सहयोगियों के बीच द्विपक्षीय बैठक के आखिरी दिन नई विश्व व्यवस्था पर चर्चा की।
ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने काकास में वेनेजुएला के युवाओं के साथ एक बैठक के दौरान नई विश्व व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तनों पर चर्चा करते हुए अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर निशाना साधा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति और यूरोपीय संघ के प्रमुख ने ब्यूनस आयर्स में एक कार्यक्रम के दौरान लिथियम सहित स्थायी कच्चे माल पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के आखिरी दिन भारतीय पहलवानों ने 7 पदक जीते। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में भारत दूसरे स्थान पर रहा जबकि ईरान ने पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के आखिरी दिन खेले गए 55 किलोग्राम फ्री स्टाइल मुकाबले में भारत के अंकुश ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी, आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाओ पापा। अरे बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिट मैं रोज योग करूंगी। स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए कुछ अन्य खबरें शुरू करते हैं। 45 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारत के ही धनराज भरत शिर्के ने रजत पदक अपने नाम किया है, जबकि रूपेश ने 48 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल प्रतियोगिता का रजत पदक जीता। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 6 जुलाई को सभी पदों के लिए मतदान होगा। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 19 जून को शुरू होगी। चेन्नई में चल रहे स्क्वैश विश्व कप के पहले दिन भारत ने ग्रुप बी में हांगकांग को 4-0 के अंतर से हराया। हांगकांग के चुंग याट लॉन्ग के साथ खेले गए पहले मैच में भारत के अभय सिंह ने 7-2, 7-3, 7-6 के अंतर से इसे अपने नाम कर लिया। भारत आज पूल बी में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा, जहां भारतीय टीम की कोशिश जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने की होगी। इंडोनेशिया ओपन के पुरुष एकल मुकाबले में आज किदांबी श्रीकांत का सामना चीन के लू गुआंगजू से होगा। वहीं भारत के उभरते हुए बैडमिंटन स्टार प्रियांशु राजावत पहले दौर में थाईलैंड के विटीडरसन से भिड़ेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए 4 सदस्यीय एडहॉक समिति की नियुक्ति की घोषणा की। कॉमेडी ड्रामा फिल्म फुकरे 3 की रिलीज डेट को लेकर बीते कई महीनों से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बीते महीने फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया था। दृश्यम की हिंदी और मलयालम टीम दोनों फिल्मों की एक साथ शूटिंग करने और उन्हें पूरे भारत में एक ही तारीख पर रिलीज करने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। डिकैल्ला स्टोरी की सफलता से उत्साहित अदा शर्मा जल्द ही एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन में काम शुरू करने वाली हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने हाल ही में आस्क एसआर के सेशन चलाया, लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि विक्रम और 96 स्टार विजय सेतुपति उनके पसंदीदा एक्टर्स में से एक हैं। आरजे से अभिनेता बने अभिलाष थपलियाल की फिल्म में प्राइवेसी और कैनेडी साउथ कोरिया के बुकियान इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल में दिखाई देंगी। बॉलीवुड स्टार वरुण धवन और जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म बवाल सीधे ओटीटी पर रिलीज होगी। वर्ल्ड वॉर 2 की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म का निर्देशन दंगल के लिए जाने वाले नितेश तिवारी ने किया है।
पिछले साल रिलीज हुई फिल्म विक्रम को मिली सफलता के बाद से ही कमल हासन लगातार फिल्मों की दुनिया में एक्टिव है। अब हाल ही में कमल हासन ने एच विनोद के साथ अपनी आगामी फिल्म की घोषणा की है। प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष ने एडवांस बुकिंग में करोड़ों की कमाई कर ली है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि ओपनिंग डे पर फिल्म अच्छा प्रदर्शन करेगी। वहीं एडवांस बुकिंग में बेचे 1.50 लाख टिकट। हॉलीवुड से एक दुख भरी खबर सामने आ रही है। पिछले 50 साल से लोगों का मनोरंजन करने वाले हॉलीवुड अभिनेता ट्रीट विलियम्स का निधन हो गया है। जेरार्ड बटलर और अली फजल अभिनीत अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म कंधार 16 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियोज पर रिलीज होने को तैयार। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे आज का एजेंडा आचार्य गुलाटी कुंभर के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।